विशेष ओलंपिक में देश को पदक दिलाने वाली दिव्यांग सीता साहू आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। सीता ने विशेष ओलंपिक में 2 कांस्य पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया था, लेकिन अब 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार के साथ चाट फुल्की बेचने को मजबूर हैं। सीता साहू के पदक जीतने के बाद इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद सम्मानित किया था और मदद की घोषणा भी की थी, बावजूद इसके अभी तक कोई मदद नहीं मिली। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 लाख रुपए आवास और दुकान दिलाने का भरोसा दिया था। नगद राशि तो मिल गई, लेकिन आवास और दुकान आज तक नहीं मिली। दरअसल एथेंस विशेष ओलंपिक में दिव्यांग सीता साहू ने 2 कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया था। सीता ने जून 2011 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित मानसिक बाधित बच्चों के लिए आयोजित विशेष ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स की 200 और 1600 मीटर की दौड़ में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। इस विशेष ओलंपिक में 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रदेश के 8 बच्चे शामिल थे, जिन्हें भव्य समारोह कर सम्मानित किया गया था और हर मदद दिलाने का वादा भी किया गया था। वर्तमान समय में सीता के परिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से गुजर बसर करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। सीता के पिता काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीता अपने परिवार के साथ मिलकर चाट फुल्की और समोसा की दुकान चलाती है, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा है। उससे और उसके परिवार से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। सीता ने जिस जज्बे का परिचय दिया था, उसे प्रदेश में बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। वो आगे भी एथलेट में अपना नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन सहायता न मिलने से सीता और उसका परिवार टूट गया है। कहने को तो सीता मंदबुद्धि है, लेकिन एथेंस में आयोजित विशेष ओलंपिक में 2 पदक जीतकर उसने मिसाल कायम की, लेकिन सरकार ने इस प्रतिभावान खिलाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके चलते इस खिलाड़ी को ना तो प्रोत्साहन मिला और ना ही उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था हुई, जिसका नतीजा है कि ओलंपिक विजेता दाल रोटी के लिए मोहताज है। उसे और उसके परिवार को उम्मीद है कि शायद सरकार को उनकी हालत पे कोई तरस आए और वो उनके सुध ले। क्या किस गेम में आपने ये पाया और कब पाया था? 2011 में गए थे। कौन से पदक मिले थे? कहाँ गई थी आप? उसके बाद क्या किसी तरीके की मदद मिली आपको? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 लाख रुपए पैसे दिए थे, दुकान वकान नहीं मिला। अभी क्या करती हैं? समोसे बनाती। केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। अब क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि दुकान वकान मिल जाए। घोषणा तो बहुत कुछ किए रहे, लेकिन नगद के अलावा कुछ नहीं दिए, नगद राशि दे दिए उसने। क्या क्या घोषणाएं थी? घोषणा किए थे मकान और दुकान देने के लिए, और 5 लाख नगद, 5 लाख नगद दे दिए, लेकिन दुकान और मकान अभी तक नहीं मिला। सरकार की तरफ से भी कुछ मिला है आप लोगों को? सरकार की तरफ से भी नहीं मिला। आपकी बहन ने कब पदक जीता और किस तरीके की घोषणा हुई थी? ये 2011 में एथेंस गई दौड़ पे, यानी जीती, भारत का नाम रोशन की। ये घोषणा भी बहुत, यानी कोई सरकारी से कोई मदद नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं। ज्योतिराज सिंधिया ने 5 लाख रुपए और दुकान या मकान देने के लिए वादा किया था, तो 5 लाख का चेक दिए थे दिल्ली पे और दुकान मकान देने के लिए वादा किए थे, तो आज तक कोई किसी प्रकार का मदद नहीं, ना ही कोई आता है मदद करने के लिए ना कुछ। यदि आज छोटे घर की लड़कियां हैं, इसलिए कोई बड़े घर की होती तो क्या होता, हर रोज आते, कोई यहाँ आता नहीं है, किसी भी प्रकार की मदद नहीं कोई।